फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओए मार्ट है आपके लिए तैयार। ओए मार्ट के मोबाइल ऐप या वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी और पाएं होम डिलीवरी। घरेलू सामान की डिलीवरी नौगछिया अनुमंडल के किसी भी क्षेत्र में। संपर्क करें 8340371787 7325052437। ओए मार्ट, ऑनलाइन जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, किस देश के राष्ट्रपति एवं उनकी पत्नी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं? ए अफ्रीका, बी अमेरिका, सी भारत या डी बांग्लादेश। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। भागलपुर, चुनावी माहौल में दुर्गा पूजा और चेहल्लुम, शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासनिक स्तर पर हो रही बैठकें। भागलपुर पुलिस लाइन में एसएसपी आशीष भारती के नेतृत्व में आगामी विधानसभा चुनाव, दुर्गा पूजा और चेहल्लुम को लेकर एक बैठक आयोजित की गई। वहीं बैठक को संबोधित करते हुए एसएसपी ने कहा कि चुनाव के माहौल में दुर्गा पूजा और चेहल्लुम को शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न कराना एक चुनौती है। उन्होंने कहा कि हालांकि भागलपुर पुलिस ने कई बार इस चुनौती का डटकर सामना किया है, एसएसपी ने सभी पुलिस अधिकारी को इस दौरान संयम बरतने तथा एकाग्रता के साथ कार्य करने की बात कही है। आज भागलपुर पुलिस केंद्र में जो सितंबर महीने का क्राइम मीटिंग आयोजित किया गया था और साथ ही साथ उसमें इलेक्शन से के संबंध में तैयारियों की समीक्षा की गई है और मुख्य जो फोकस रहा है वो इलेक्शन की तैयारियों को सुनिश्चित करने के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ दो फेज में चुनाव है 28 अक्टूबर और 3 नवंबर को, तो सभी थानों की जो तैयारी है वो काफ़ी संतोषप्रद है और लेकिन उसमें अभी कई सुधार की आवश्यकता है, तो उसको लेकर के सभी को निर्देशित किया गया है। 228 अपराधियों के विरुद्ध सीसीए टीम की कार्रवाई की गई है, उसका लिस्ट भी हम आप लोग को उपलब्ध करा देंगे। पिछले विधानसभा में 100 लोगों के विरुद्ध ही की गई थी, तो इस बार लगभग हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा जो भी ऐसे लोग हैं जो कि चुनाव को किसी प्रकार से प्रभावित कर सकते हैं उन सबको चिन्हित करके कार्रवाई कर रहे हैं। करीब 13,000 लोगों के विरुद्ध 107 की कार्रवाई की गई है। हमारी प्राथमिकता है, हमारी तैयारी है कि हम लोग बिल्कुल शांतिपूर्वक और निष्पक्ष माहौल में ये चुनाव कराएंगे। इसके लिए आज फ्लैग मार्च भी निकाला जा रहा है और हमारे यहाँ 8 कंपनी CPMS वो आज रात्रि में का उपयोग करके जो हमारे दुरूह क्षेत्र हैं, जैसे दियारा क्षेत्र है या हमारा जो ऐसे क्षेत्र जहाँ पे अतिरिक्त बल की आवश्यकता है वहाँ पे हम लोगों ने प्लान बना लिया है और उनके माध्यम से हम लोग रेड छापेमारी भी करवाएंगे और कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई भी व्यक्ति कानून का उल्लंघन करता है या कोई ऐसी गतिविधि करता है जो कि चुनाव के दृष्टिकोण से उचित नहीं है तो उस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और साथ में जो दुर्गा पूजा या चेहल्लुम का जो त्यौहार है इस महीने या फिर हजरत साहब का जन्मदिन है उसको लेकर के भी विचार विमर्श किया गया है तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए हैं। किसी भी हाल में जो हमारे भारत सरकार तथा बिहार सरकार के गृह विभाग के द्वारा जो गाइडलाइन इशू किया जाता है कोरोना को देखते हुए उसका उल्लंघन किसी प्रकार से नहीं हो उसका निर्देश दिया गया है और सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए जो गाइडलाइन है उसके सभी नियमों का पालन करें, अनावश्यक कहीं पे भी भीड़ नहीं लगाएंगे और चुनाव को और सभी पर्व त्यौहार को शांतिपूर्वक संपन्न कराने में पुलिस और प्रशासन की। NH 31 पर बालू गिट्टी कारोबारी को अपराधियों ने मारी गोली, 3 लाख रुपए लूटे। नौगछिया पुलिस जिला के झंडापुर ओपी थाना में भीपुर बस स्टैंड के पास NH 31 चौक पर शुक्रवार की रात करीब 9 बजे बालू गिट्टी के कारोबारी मड़वा निवासी लाखो चौधरी के पुत्र निकेश चौधरी उर्फ निक्कू 34 वर्षों को अपराधी ने गोली मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। उनके प्रतिष्ठान अद्वैत ट्रेडर से 3 लाख रुपए और 3 मोबाइल भी लूट लिया। निकू के पैर में 2 गोली मारने के बाद अपराधी अंधेरे में भाग निकले। सूचना मिलने पर ओपी प्रभारी शिव प्रसाद रमानी पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। ओपी प्रभारी ने बताया कि घायल को इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया जहां से बेहतर इलाज के लिए भागलपुर स्थित मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया गया। नौगछिया, मिलिट्री फोर्स की सुरक्षा में होगा चुनाव, डराने धमकाने वाले पर होगी कार्रवाई। आसन्न विधानसभा चुनाव को लेकर नौगछिया पुलिस जिले में पुलिस की गतिविधि तेज कर दी गई है। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस जिले में जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। मतदाताओं को डराने धमकाने एवं प्रलोभन देने वाले दबंगों पर पुलिस स्तर से निगरानी की जा रही है। नौगछिया SP स्वप्नाजी मिश्राम ने विधानसभा चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न हो इसको लेकर लगातार विधि व्यवस्था एवं तैयारी की मॉनिटरिंग कर रही है। SP ने कहा कि चुनाव को पुलिस हर गतिविधि पर निगरानी कर रही है, चुनाव के दौरान किसी भी प्रकार की घटना ना हो इसको लेकर थाना अध्यक्ष को गश्ती तेज कर देने का निर्देश दिया गया है।
नवगछिया में युवा समाज सेवी ने कराया मानवता का एहसास, सोशल मीडिया की मदद से गुम हुआ बैग मिला। रंगरा के जहांगीरपुर बैसी के अशोक कुमार का बैग शुक्रवार शाम को गुम हो गया था। अशोक बीमार हैं और वे इलाज के लिए जा रहे थे, इसी क्रम में जरूरी सामानों से भरा बैग गुम हो गया। बीमार होने के बाद भी अशोक बैग को पुनः प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे थे और अपने मित्रों की सहायता से बैग को आसपास के इलाके में खोज रहे थे। वे काफी परेशान थे क्योंकि बैग में आधार कार्ड, पैन कार्ड, ऑनर बुक, ATM कार्ड, वोटर कार्ड सहित 10 रुपए के नोट, टिफिन बॉक्स में मिठाइयाँ, जरूरी दवाइयाँ, चादर और भी कई सामान थे। अचानक गाँव के ही एक व्यक्ति ने एक व्हाट्सएप ग्रुप में एक लावारिस बैग मिलने का मैसेज देखा। व्हाट्सएप ग्रुप पर किसी ने फेसबुक पर किए गए पोस्ट का स्क्रीनशॉट शेयर किया था। जब अशोक ने उस मैसेज को देखा तो वह काफी खुश हुआ क्योंकि मैसेज में जिस बैग का फोटो लगाया गया था वह अशोक का ही बैग था। मैसेज करने वाला व्यक्ति नौगछिया निवासी बाबा विस्फोट अग्निसाथ थे। जब अशोक ने मैसेज में दिए गए नंबर से फोन किया तो बाबा विस्फोटक ने फोन उठाया और कहा कि आपका बैग और बैग में रखा सामान पूरी तरह से सुरक्षित है, आप कभी भी नौगछिया आकर बैग ले सकते हैं। अशोक बीमार थे इसलिए उन्होंने अपने भाई अंकुश आनंद को बैग लाने भेजा। अंकुश ने नौगछिया जाकर बैग को पुनः प्राप्त किया। अशोक कुमार ने बाबा विस्फोटक निषाद को धन्यवाद देते हुए कहा कि ऐसे लोगों की वजह से आज भी इंसानियत जिंदा है। नवगछिया शिक्षा विभाग में उन्नयन बिहार योजना के तहत वित्तीय वर्ष 19-20 में टीवी खरीद में बड़े पैमाने पर अनियमितता उजागर। बिहार सरकार के शिक्षा विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 19-20 में उन्नयन बिहार योजना के तहत नौगछिया अनुमंडल के विभिन्न प्रखंडों के 20 माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्मार्ट क्लास के सफल संचालन हेतु हरेक विद्यालय को 90,000 रुपए विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया था, परंतु विद्यालय प्रधानों द्वारा विभाग के द्वारा निर्धारित मानक को नजरअंदाज कर टीवी का कर लिया गया। इस बारे में जिला शिक्षा पदाधिकारी भागलपुर ने ऐसे सभी प्रधानों को लिखित निर्देश देकर कहा है कि यह प्रथम दृष्टया वित्तीय अनियमितता को परिलक्षित करता है, जबकि संदर्भ में समय समय पर मुख्यालय से आगाह किया जाता रहा है। भागलपुर के जिला शिक्षा पदाधिकारी ने ऐसे सभी विद्यालय के प्रधान को तत्काल राशि का समायोजन करने का निर्देश दिया है, अन्यथा अग्रिम राशि को अपव्यय मानते हुए राशि की वसूल कर ली जाएगी। नवगछिया 135 मरीजों का किया गया कोरोना टेस्ट, सबों का रिपोर्ट आया नेगेटिव। रंगरा PSC में 135 लोगों का COVID-19 टेस्ट रैपिड एंटीजन किट से किया गया, सबों का रिपोर्ट नेगेटिव आया है। रंगरा के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर रंजन कुमार ने कहा कि इन दिनों रंगरा में कोरोना के मामलों में बेहद कमी आई है। दूसरी तरफ प्रखंड में संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट 100% है। अभी तक एक भी संक्रमित मरीज की मौत नहीं हुई है, फिर भी यहां के लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता है। लोग अपनी इम्यूनिटी पर अधिक ध्यान दें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और मास्क जरूर लगाएं। नवगछिया मास्क चेकिंग अभियान में 73 लोगों से वसूला गया जुर्माना। नवगछिया SP स्वप्ना जी मिश्राम के निर्देश पर पूरी जिले के सभी थाना क्षेत्र में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान मास्क एवं वाहनों की जांच की गई। जांच अभियान में कुल 73 लोगों को बिना मास्क के सार्वजनिक स्थानों पर गतिविधि करते हुए पाए गए, जिससे कुल 3650 रुपए जुर्माना वसूल किया गया। वहीं इस अभियान में एक वाहन से 1,000 रुपए भी जुर्माना वसूल किया गया है। कृपया ध्यान दें कि अब खबर 1 मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। 10वीं 12वीं पास बच्चों के लिए सुनहरा अवसर, रहना खाना पढ़ना बिल्कुल फ्री, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन के द्वारा अन्य राज्यों में पढ़ने का मौका, BA BCom BSc पॉलिटेक्निक BTech BBA BCA में ले निःशुल्क नामांकन, MS कॉलेज ऑफ एजुकेशन हाई स्कूल के समीप नौगछिया भागलपुर। अभी कॉल करें 88 73 97 36 80 8225 6905 या रजिस्टर करें MSWTBihar.com पर। 1, 2, 3, come on! खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नौगछिया NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़ स्टेशन के सामने नौगछिया। गंगोत्री जागरण मंच के अध्यक्ष को फोन पर दी धमकी, क्या गाली गलौज। गंगोत्री जागरण मंच के अध्यक्ष सह जदयू के वरिष्ठ नेता गुलशन कुमार को अज्ञात अपराधियों ने फोन पर गाली गलौज किया है और धमकी भी दी है। गुलशन कुमार का कहना है कि 4 अलग अलग नंबर से अज्ञात व्यक्ति ने 3 अक्टूबर को उनके मोबाइल पर सुबह 9:29 से लेकर 9:42 तक धमकी दी है। घटना की बाबत गुलशन कुमार ने परबत्ता थाने में लिखित आवेदन देकर कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। गुलशन कुमार ने किसी अनहोनी की आशंका व्यक्त की है। इधर परबत्ता पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। नवगछिया के खरीक में कुदाल से सर पर प्रहार कर महिला को किया जख्मी।
नौगछा के खरीक थाना क्षेत्र के फरीदपुर में एक महिला के सर पर कुदाल से प्रहार कर गंभीर रूप से जख्मी कर दिया। परिजनों ने बताया कि सर पर गंभीर प्रहार होने से महिला का व्यवहार बदल गया और चोट लगने के बाद से महिला अर्ध विक्षिप्त की तरह व्यवहार करने लगी। परिजनों ने पीड़ित महिला सीमा देवी को फरीदपुर के खरीक थाना पहुंचाया। जख्मी महिला के बयान पर खरीक थाने में जान मारने का प्रयास के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गई है। लहसुन लदी 407 लूट कांड में शामिल अपराधियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। नवगछा के परबत्ता थाना क्षेत्र के जगतपुर गरिया के पास विक्रमशिला पुल पहुंच पथ पर गुरुवार की रात अपराधियों ने हथियार के बल पर लहसुन लदी 407 DCM गाड़ी को चालक व खलासी को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिए जाने के मामले में लूट की घटना में शामिल एक और लुटेरे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार अपराधी पीरपैती थाना क्षेत्र के सिरमाई निवासी रूपक कुमार तांती है। परबत्ता थाना अध्यक्ष रामचंद्र यादव ने बताया कि पूर्व में गिरफ्तार हुए अपराधियों की निशानदेही पर ही उसे पीरपैती से छापेमारी कर गिरफ्तार किया गया है। नवगछिया बमबारी के मामले में कुछ संदिग्धों से पुलिस कर रही पूछताछ। शुक्रवार की शाम को नवगछिया के सिंधिया मकनपुर चौक पर हुए बमबारी के मामले में कुछ संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर गोपालपुर पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है। नवगछिया SP के निर्देश पर SDPO द्वारा स्वयं संदिग्धों से पूछताछ किया गया। बताते चले कि शुक्रवार की शाम को मोबाइल विवाद के कारण दो पक्षों में हुए विवाद को लेकर एक पक्ष द्वारा बम पटक दिया गया था, जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया। घायल का इलाज गोपालपुर पुलिस द्वारा कराया गया। अब आपके शहर चौसा में भी उषा फर्नीचर, सीसम सागवान स्टील पलंग, गोदरेज त्रिवेणी वैशाली संगम अलमीरा, सोफा कुर्सी टेबल, डाइनिंग सेट सहित ऑफिस के सामानों सहित फर्नीचर एवं फर्निशिंग सहित मिल्टन कंपनी के सभी सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे आयरन, पंखा, कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन सहित कई अन्य उपलब्ध हैं। संपर्क करें राकेश जायसवाल 7979850079 7549683888 उषा फर्नीचर, गांधी चौक, कलासन रोड, चौसा। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295-830-773-9403-67-170। अब पैसा नहीं है बाधा, बस पढ़ने का हो पक्का इरादा। SRM हेल्थ केयर एंड एजुकेशन, ऑल इंडिया NSC ए ग्रेड, MBA कॉलेज पॉलिटेक्निक, BTech, BCA, MCA, BBA, MBA, होटल एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इत्यादि कोर्स में बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की मदद से नामांकन के लिए संपर्क करें। सभी पारंपरिक कोर्स BA, BSc, BCom, MA इत्यादि में भी नियमित दुरुस्त कोर्स के लिए नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है रेलवे स्टेशन के सामने शिव मंदिर के समीप, नया टोला नौगछिया 9534338689 7856914231 6206224713 खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड के लिए एक बार जरूर पधारें सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन के सामने, नवगछिया।